हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर नेहा मैम फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड टुडे आई विल टीच यू नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सो फर्स्टली हम यहाँ पर देखेंगे नाउन्स सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन्स के बारे में समझेंगे। ए नाउन कैन रेफर टू वन और मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। एक जो नाउन होता है वो संबंधित होता है किसी एक या एक से ज़्यादा कोई पर्सन से, एनिमल से, प्लेस से या थिंग से। तो देखिए आप यहाँ पर नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, वन और मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ए नाउन दैट नेम्स वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए सिंगुलर नाउन। एक ऐसा नाउन जो किसी भी एक व्यक्ति के बारे में, एक एनिमल के बारे में, एक स्थान के बारे में या एक चीज़ के बारे में आपको बता रहा है, एक वस्तु के बारे में आपको बता रहा है, ये सिंगुलर नाउन होता है। सो ए नाउन दैट नेम्स वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए सिंगुलर नाउन। सो अबाउट अ पर्सन, अबाउट एन एनिमल, ए प्लेस और ए थिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है बॉय एंड हाउस। सो नेक्स्ट इज ए नाउन दैट नेम्स मोर देन वन पर्सन। नाउन जो कि एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में हमें बताता है, ये प्लूरल नाउन कहलाता है। जैसे मोर देन वन पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। नेक्स्ट देखेंगे लाइक बॉयज एंड हाउसेस, ये सारे आपके प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। अगर सिंगुलर है तो बॉय और प्लूरल है तो बॉयज़ कहलाएंगे। सिंगुलर कैट और प्लूरल में कैट्स होंगी। सिंगुलर हाउस प्लूरल में हाउसेस कहलाएगा। एंड सिंगुलर में फ्लावर और प्लूरल में फ्लावर्स होंगे। नेक्स्ट एड ई एस टू नाउंस दैट एंड एन सी एच, एस एच, ओ एस, डबल एस, एक्स एंड जेड टू गेट देयर प्लूरल फॉर्म्स। जब भी हमारा जो नाउन है वो सी एच, एस एच, ओ एस, डबल एस, एक्स या जेड पे फिनिश हो रहा है तो हम उसे ई एस के साथ चेंज करेंगे। जैसे कि ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का लास्ट वर्ड है सी एच, तो लास्ट वर्ड सी एच होने की वजह से यहाँ पर हम इसके साथ ई एस और ऐड करेंगे, तो ये होगा ऑस्ट्रिचेस। डिश, डिश का लास्ट टू वर्ड्स है यहाँ पर एस एच, तो एस एच के साथ हम ऐड करेंगे ई एस, तो यहाँ पर हो जाएगा डिशेस। नेक्स्ट बस, बस का लास्ट वर्ड एस है तो यहाँ पर भी हम इसके साथ ई एस ऐड करेंगे, तो हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाएगा बसेस। प्रिंसेस, प्रिंसेस के लास्ट टू लेटर्स हैं डबल एस, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड हो जाएगा प्रिंसेसेस। नेक्स्ट फॉक्स, फॉक्स में लास्ट वर्ड है एक्स, तो एक्स के साथ भी हम ई एस ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाएगा फॉक्सेस। नेक्स्ट क्विज, जेड लास्ट है तो यहाँ पर जेड लास्ट होने की वजह से हम इसमें ई एस ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा क्विजेज, तो जेड ई एस ऐड होगा क्विजेज। नेक्स्ट सम टाइम्स सम वर्ड्स एंडिंग इन ओ टेक ओनली एस इन इट्स प्लूरल फॉर्म। कुछ वर्ड्स जो कि ओ पर फिनिश होते हैं या एंड होते हैं वो ओनली एस के साथ प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि पियानो, तो पियानो ओ से फिनिश हो रहा है तो यहाँ पर हमारा वर्ड हो जाएगा पियानोज। द नाउन दैट एंड इन ए कंसोनेंट फॉलोड बाय वाई चेंज इन टू प्लूरल फॉर्म। एक नाउन जो है वो अगर लास्ट में एंड पे कंसोनेंट के साथ उसमें वाई ऐड होता है तो इसमें ई एस हम ऐड करते हैं। एक ऐसा नाउन जिसमें एंड में कंसोनेंट्स के बाद वाई आ रहा है, कंसोनेंट्स कौन से,
AEIOU के अलावा जो हमारे लेटर्स होते हैं वो कंसनेंट्स कहलाते हैं। तो कंसनेंट्स के साथ अगर वाई ऐड हो रहा है तो हम यहाँ पर वाई को हटाकर ES यूज करेंगे। सो हम पूरा इसे रीड आउट करते हैं। द नाउन्स दैट एंड इन अ कंसनेंट फॉलोड बाय वाई चेंज इन टू प्लूरल फॉर्म बाय चेंजिंग द वाई टू आई एंड देन एडिंग ES। वाई टू आई एंड देन एडिंग ES। लाइक सिटी, सिटी में टी कंसनेंट है और वाई इसके बाद आ रहा है, तो यहाँ पर वाई की जगह हो जाएगा आई और हम इसमें ऐड करेंगे ES, तो ये हो जाएगा प्लूरल फॉर्म इसका सिटीज। नेक्स्ट देखें कंट्री, कंट्री में आर जो है वो अनदर कंसनेंट है, कंसनेंट के बाद वाई फॉलो है, तो यहाँ पर वाई की जगह होगा आई और हम ऐड करेंगे ES, तो ये हो जाएगा कंट्रीज। नेक्स्ट देखेंगे मंकी, मंकी में आप वाई के पहले देख रहे हैं वॉवल, ई वॉवल होता है, तो वॉवल होने की वजह से यहाँ पर IES नहीं होकर सिर्फ S ऐड हो जाएगा, तो हियर इज मंकीज। की, की में अगेन आप देख रहे हैं ई इज ए वॉवल, तो वॉवल होने की वजह से Y के आगे IES नहीं आकर अगेन S लगेगा, तो की का प्लूरल फॉर्म होगा कीज। नेक्स्ट, टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ अ नाउन दैट एंड्स इन F और FE, वी रिप्लेस द F और FE विद VES। ऐसे नाउन्स जिसमें लास्ट में F या FE होता है इसे हम VES के साथ रिप्लेस करते हैं। जैसे लीफ, लीफ में लास्ट हमारा लेटर है एफ, तो इसीलिए हम इसको रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर वी ई एस लगाएंगे, तो हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाएगा लीव्स। नेक्स्ट वर्ड, इफ यू वर्ड्स डू नॉट फॉलो द रूल, लेकिन कुछ वर्ड जो होते हैं वो रूल को फॉलो नहीं करते। फॉर एन एग्जाम्पल शेफ, शेफ में यहाँ पर एफ तो है बट यहाँ पर ये डायरेक्टली एस के साथ प्लूरल फॉर्म में जाता है, तो ये हो जाएगा शेफ्स। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में भी सेम होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी सेम होते हैं। जैसे हेयर, अगर हम हेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो हेयर सिंगुलर फॉर्म में भी हेयर ही होंगे और प्लूरल फॉर्म में भी इसे हेयर ही कहेंगे। बाइसन, बाइसन सिंगुलर फॉर्म में भी बाइसन होगा और प्लूरल फॉर्म में भी बाइसन कहलाएगा। नाउन्स दैट डू नॉट फॉर्म प्लूरल्स इन द यूजुअल वे, तो इस तरह से कुछ और भी नाउन्स होते हैं जैसे कि शीप, हेयर, डियर, बाइसन, इन नाउन्स को इररेगुलर नाउन्स कहा जाता है। जैसे कि नाउन्स दैट डू नॉट फॉर्म प्लूरल्स इन द यूजुअल वे, तो ये नाउन्स इररेगुलर नाउन्स कहलाते हैं। इफ यू सिंगुलर नाउन फॉर्म द प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल और वॉवल्स, कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि अपने अंदर वाले वर्ड्स जिसमें वॉवल्स होते हैं उनको चेंज करते हैं। जैसे कि टूथ, टूथ में डबल ओ वॉवल्स हैं तो यहाँ पर डबल ओ चेंज हो जाता है डबल ई में, तो टूथ का प्लूरल हो जाता है टीथ। मैन, मैन में ए वॉवल है तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में मैन में एम ई एन में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाता है मैन। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको ये जो सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म है ये इजीली समझ में आए होंगे। थैंक यू।